हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। नॉर्थ से 2021 स्पेशल ईएसआईसी डीएसएसबी पीजीआई चंडीगढ़ स्पेशल क्लासेस, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज डेली एमसीक्यू सेशन जो चल रहा है उसको कैरी ऑन करते हुए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के नेक्स्ट टॉपिक को आज कैरी ऑन करेंगे। बच्चों, दर इज अ वेरियस कमिटीज, जहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ कमिटीज होगी, उन कमिटीज का फॉर्मुलेटिंग ईयर होगा, उन कमिटीज के चेयरमैन होंगे, उन कमिटीज का मेन पर्पस क्या था वो कमिटी बनाने का, इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो कमिटीज है ईयर, आपको कहीं कहीं याद रखना पड़ेगा। बच्चों, एक क्वेश्चन यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी कौन सी ईयर में आया, इस कमेटी का पर्पस क्या था, वो कमेटी क्या करना चाह रही थी। तो 7 to 8 कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि कमेटीज और कमेटीज पे बनने वाले क्वेश्चन को हम यहां कैरी ऑन करें। और क्लास को स्टार्ट होने से पहले एक बार माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक क्लास को शेयर करें, फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को शेयर करें, देनी उन बच्चों तक ये क्लास पहुंचे जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनको सच में रिक्वायर है स्टूडेंट बन के स्टडी करने का, तो उनके लिए जेएनसी जोधपुर हमेशा के लिए तैयार है। बच्चों, हरीश, कमलेश, गुड्डू, मोहम्मद रशीद, भवानी, भावना, मृदु, अशोक, पूजा, उदय, दीपक सॉरी नाविया, आरके सैनी, सोना, बबली, मीनू, अनुष्का, भगवान, आप सभी को जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस। इसमें अपना टॉपिक जो है दैट इज अ वेरियस कमिटीज। और इन वेरियस कमिटीज को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह इंतजार मत करिए। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको इंतजार नहीं करना है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। परिस्थिति अभी फेवरेबल नहीं है, हम एक पैंडेमिक डिजीज के साथ फाइट कर रहे हैं, इन परिस्थिति में यदि हम रुक गए तो जिंदगी रुक जाएगी। बच्चों, इसीलिए हमें इस कोविड महामारी में अपनी स्टडी को कैरी ऑन करता है। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों के साथ, फैमिली में, नियरेस्ट डियरेस्ट बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से एक्सपायर हो गए होंगे, बट ये एक डिजास्टर है। इस डिजास्टर से कॉप अप करना है हमें, उन फैमिलीज को भी संभालना है, हमें अपना कैरियर के ऊपर भी फोकस करना है, हमें अपनी स्टडी के ऊपर भी फोकस करना है, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो आपका है। बच्चों, आज हम जिस कंडीशन में फाइट कर रहे हैं, आने वाले वक्त में अपने आप को संभाल नहीं पाए तो नॉर्थ सेट हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल थॉट लेके आया हूं बच्चों, कि इंतजार मत करिए, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। किसी भी परिस्थिति के अंदर आपको हार नहीं मानना है, आपको हार नहीं मानना। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू शुड डू हार्ड वर्क टिल योर डेस्टिनेशन। ओके फाइन, आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जहां क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हुए, मैंने कहा ना बच्चों, अब की बार एम्स नॉर्थ सेट पार, और एम्स नॉर्थ सेट पार होने के लिए आपका अपना जेआईएनसी जोधपुर 10th MCQ batch, आपका अपना जेआईएनसी जोधपुर 10th MCQ batch स्टार्ट करने जा रहा है। और इस बार का जो एमसीक्यू बैच होगा वो लाइव बैच होगा, और इस एमसीक्यू बैच के अंदर हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी क्रैश कोर्स के साथ लगभग 10,000 MCQ यहां पर हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे। इसका प्राइस 3,999 है और ये ऑफर सिर्फ 15 मई तक है। बच्चों, सिर्फ 15 मई तक बैच अपना स्टार्ट होगा, 24 जून को शाम को 3 to 7 PM। इस बैच की खासियत बच्चों, डेली 4 आवर की क्लास होगी, 4 आवर क्लास, एमसीक्यू थ्योरी सभी सब्जेक्ट कवर होगा, इमेज बेस, एनक्लिक्स और मोसबी के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। 80 to 85 डेज में आपका कंप्लीट कोर्स पूरा किया जाएगा बच्चों। और मैं आपसे
वादा करता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट इस एमसीक्यू बैच में हम डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के जो 9 बैच का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे अपना 100% देंगे। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग कर रखा हो, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो एक या दो नंबर से हमेशा रह जाते हैं, या जिन्होंने JINC जोधपुर से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स पूरा कर रखा हो या आने वाले 24 जून से पहले पूरा कर लेगा, उन बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बच्चों। तो इस बैच को ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद में मेल आईडी से लॉगिन करना है, और मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। और ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा ठीक 24 जून को शाम को 3 बजे। ओके फाइन, आज की क्लास को कैरी ऑन करें, और आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एक बार लाइक बनता बच्चों, लगभग 1000+ बच्चे क्लास को वॉच करें, लाइक बनता। अभिषेक समझ में नहीं आ रहा, ईयरफोन लगा लो, नहीं तो घर पे बैठ जाओ, नहीं तो घर पे बैठ जाओ, आवाज नहीं क्लियर आ रही, फालतू बार बार डिस्टर्ब ना करें आप क्लास को। बच्चों एक बार क्लास को लाइक करें, देन विल कैरी ऑन, विल कैरी ऑन। ओके फाइन, ओके फाइन। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रूरल हेल्थ स्कीम इंट्रोड्यूस बाई, रूरल हेल्थ स्कीम इज इंट्रोड्यूस बाई माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। किसने इंट्रोड्यूस किया रूरल हेल्थ स्कीम? ऑप्शन आपके सामने, बोर कमेटी, देन मुखर्जी कमेटी, देन श्रीवास्तव कमेटी, देन मुदलियार कमेटी। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। चार ऑप्शन आपके सामने पुट किया हुआ है, बोर कमेटी, मुखर्जी कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, मुदलियार कमेटी। ये किसने बच्चों, रूरल हेल्थ स्कीम किसने इंट्रोड्यूस किया, कौन सी कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? फटाफट आंसर पुट करेगा। हु आर द रिस्पॉन्सिबल कमेटी टू इंट्रोड्यूस रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम ABCD। चार ऑप्शन आपके सामने बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने। रिंकू रॉय डोनेटिंग 100 rupees टू द JINC पुअर स्टूडेंट फंड। थैंक यू सो मच रिंकू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड, यू ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूटेड माई डियर। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर, सोच के आंसर देना। मैं हर कमेटीज पे बनने वाले क्वेश्चन को आपके सामने पुट करूंगा बच्चों। मैक्सिमम बच्चों ने यहां पर ए आंसर पुट किया, कुछ ने सी लिखा है, इट्स ओके रश्मि, इट्स ओके माई डियर। कुछ ने ए आंसर लिखा है, कुछ ने सी लिखा, ओके फाइन। मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर लिखा दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रूरल हेल्थ स्कीम जो है दैट इंट्रोड्यूस बाय द श्रीवास्तव कमेटी 1975 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जिनको अच्छे से आंसर पता था उन्होंने सही लिखा, और जिन्हें रट्टा मार के रखा उनका आंसर गलत हो गया। श्रीवास्तव कमेटी 1975 दैट वॉज गिवन रूरल हेल्थ स्कीम, रूरल हेल्थ स्कीम was given by Srivastava committee, was given by Srivastava committee my loving future nursing officers। C is the right answer। देखिए एक बार मैं क्लियर आपको कहना चाहता हूं, अपनी बैड हैबिट को वापस मत आने दो। और बैड हैबिट क्या थी आपकी, कॉपी पेस्ट जो करके आंसर दे रहे हैं ना बच्चे, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, अपनी बैड हैबिट को वापसी मत करने दो। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आपको सब्र रखना है, वेट करना है, आदत डालनी है, बट कॉपी पेस्ट मत करो प्लीज, आई रिक्वेस्टिंग, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। कॉपी पेस्ट खूब कर लिया, अब नहीं, अब नहीं। मैं बताना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलेंगे आपको जो आपके JINC की कॉपी पेस्ट करते हैं, बट मैं बताना चाहता हूं आप प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो, उनकी तरह मत बनो, उनकी तरह मत बनो। एक एक डायलॉग्स, एक एक बोलने का तरीका, एक एक कंटेंट आपका JINC का कॉपी होता है। वी डोंट केयर, वी डोंट केयर, वी हैव लॉट्स ऑफ कंटेंट, बट मैं चाहता हूं बदमाश बच्चों आप अपने आप को कॉपी मत होने दीजिएगा प्लीज। डोंट ट्राई टू कॉपी आंसर, नहीं आता वेट करो, कोई जरूरत नहीं आंसर देने की, वेट करो, और वेट करने के बाद अगला जब आंसर आपको मिलेगा ना वो कॉन्सेप्ट परमानेंट सेट हो जाएगा आपके दिमाग में। तो डोंट ट्राई टू डू, डोंट ट्राई टू डू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आई वॉज पुटेड वेरी वेल, श्रीवास्तव कमेटी मैंने लिखा है, द कमेटी वॉज सेटअप इन 1974 में यह सेटअप हुआ, और इन्होंने 1975 में रूरल हेल्थ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, रूरल हेल्थ स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। द ग्रुप ऑन द मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर,
इवन माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया, तो भी आपको आंसर श्रीवास्तव कमेटी लिखना बच्चों, तो भी आपको आंसर जो है श्रीवास्तव कमेटी लिखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा रूरल हेल्थ स्कीम, मैं आपको हर क्वेश्चन तक ले जाके जगाऊंगा, हर क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। रूरल हेल्थ स्कीम बच्चों श्रीवास्तव कमेटी ने दिया, 1974 में ये कमेटी सेटअप हुई, 1975 इन्होंने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने और ये स्टार्ट हो गया 1974 में बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर वॉज गिवन, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर वॉज गिवन बाई विच कमेटी, मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर की जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया, कौन सी कमेटी ने इंट्रोड्यूस किया, जैसे लिखा मुदलियार कमेटी, जैसे लिखा बच्चों मुदलियार कमेटी, श्रीवास्तव कमेटी, करतार सिंह कमेटी और मुखर्जी कमेटी। थोड़ा सोच के आंसर देना बदमाश बच्चों, सोच के आंसर देना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर वॉज गिवन बाई विच कमेटी, कौन सी कमेटी ने मल्टीपर्पज वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट दिया बच्चों। ऑलमोस्ट 1300 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एक बार लाइक जरूर करें, लाइक जरूर करें। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चे चलती क्लास में अपने व्यूज पुट करते हैं, आज के बाद क्लास फिनिश होने के बाद अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वो कमेंट बॉक्स कौन सा होगा, YouTube का कमेंट बॉक्स होगा बच्चों। जब क्लास फिनिश हो जाती है, क्लास फिनिश होने के बाद स्ट्रीमिंग एंड हो जाती है, एंड होने के बाद में जो YouTube का कमेंट बॉक्स होता है उस लेक्चर के नीचे अपना व्यू वहां जरूर मेंशन करना, क्योंकि वहां आपका जो व्यू होगा आई विल गिव द टाइम, मैं अच्छे से टाइम दे के उस व्यू को स्टडी कर सकता हूं, उस व्यू को स्टडी कर सकता हूं और आपके हर प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकता हूं, आपको हर प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सकता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आप विशेष कर ध्यान रखिएगा, ये जरूर मेंशन करिएगा। क्लास जैसे ही फिनिश होता है, स्ट्रीमिंग एंड हो जाता है, यूट्यूब के कमेंट्स पे जाना, आपने इस क्लास से क्या लर्न किया, क्या आपके लिए JNC बेनिफिशियल है, क्या सोचते हो आप JNC के बारे में, जरूर मेंशन करना, ताकि मैं हर स्टूडेंट के कमेंट्स को टाइम देके पढ़ सकूं और आपके पॉइंट पे वर्क कर सकूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, तो यहां पर बिल्कुल करतार सिंह कमेटी है 1973, आप सभी बच्चों का सही आंसर है, ऑलमोस्ट बच्चों ने करतार सिंह लिखा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर वॉज गिवन बाय द करतार सिंह कमेटी, क्या शानदार नाम है बच्चों, करतार सिंह, मुदलियार, श्रीवास्तव, है ना, डिफरेंट नाम यहां पर हम पढ़े, इवन मुखर्जी। तो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, करतार सिंह कमेटी वॉज 1973 द गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपर्पज वर्कर। और ईच सब सेंटर शुड बी स्टाफ्ड बाय वन मेल और वन फीमेल हेल्थ वर्कर। इनकी वजह से जो सब सेंटर है, जो सब सेंटर बच्चों हमने पढ़ा था, सब सेंटर मैंने दो बताया था, इवन मैंने आपको हिली एरिया बताया था, हिली एरिया में मैंने पॉपुलेशन 3000 बताया था, और जो प्लेन एरिया था बच्चों उसमें पॉपुलेशन 5000 बताया था। दैट इज अ सब सेंटर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, दैट यू नो एवरीबॉडी, दैट इज अ सब सेंटर। अब इस सब सेंटर में एक मेल और एक फीमेल हेल्थ वर्कर जो है वो करतार सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया, इट्स ओके मुकराम अली, इट्स ओके माय डियर। तो 1973 में इस कमेटी ने वन मेल और वन फीमेल हेल्थ वर्कर रिकमेंड किया, तो ये कॉन्सेप्ट जो है मल्टीपर्पज वर्कर का ये करतार सिंह कमेटी ने दिया बच्चों, करतार सिंह कमेटी ने इस कॉन्सेप्ट को पुट किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थ्री मंथ्स ट्रेनिंग इन अ प्राइवेट प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन PSM 3 month training in the preventive and social medicine during internship is recommended by even बच्चों मेडिकोज को इंटर्नशिप के टाइम 3 month की
प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की जो ट्रेनिंग सेशन है, वो ट्रेनिंग सेशन भी किसने रिकमेंडेड किया, किसने रिकमेंडेड किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? ऑप्शन आपके सामने है, भोर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी। सोच के आंसर देना बच्चों। थैंक यू सो मच मुकु खान, शुक्रिया माय डियर, शुक्रिया माय डियर, विच इज द राइट आंसर। थैंक यू बेबी शर्मा। मैंने क्वेश्चन पूछा है कि 3 मंथ का ट्रेनिंग जो कॉन्सेप्ट था, जिसमें प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की ट्रेनिंग जो है इंटर्नशिप में कंडक्ट करने का, ये कॉन्सेप्ट कौन सी कमेटी ने दिया, ये कॉन्सेप्ट कौन सी कमेटी ने दिया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? फटाफट आंसर पुट करिए। लगभग 1400 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरी वन। पुट द राइट आंसर। जिसको आंसर पता आंसर पुट करना ना भूले, आंसर नहीं पता है तो वेट करें, गलत आंसर ना पुट करें, गलत आंसर बिल्कुल भी ना पुट करें। यू शुड वेट एंड पुट द आंसर। चार ऑप्शन आपके सामने। 3 months ट्रेनिंग इज अ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ड्यूरिंग इंटेंसिव रिकमेंडेड बाई विच कमेटी, विच कमेटी? और मैं बताना चाहता हूं, ये टर्म्स बहुत कॉमन है आप लोगों के लिए, ये टर्म्स बहुत कॉमनली आप प्रीफर करते हो। और फाइनली दैट इज आ भोरे कमेटी बोल सकते हो, या भोर कमेटी बोल सकते हो, या भोर कमेटी बोल सकते हो। याद रखना, एक और याद रखने का तरीका बताता हूं, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन जो है, ये सब्जेक्ट कुछ बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होता है। बोरे से याद रखना बोरिंग। तो दैट स्पेशल टर्म्स प्रिवेंटिव, दैट इज अ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन, वॉज एक्स्ट्रा 3 मंथ ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट गिवन बाय द भोरे कमेटी, कॉन्सेप्ट गिवन बाय द भोरे कमेटी। हियर यू कैन सी 1943 से 46 तक इस भोरे कमेटी ने वर्क करके इस कॉन्सेप्ट को एडवाइस किया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यस दीपक परमार, इस कमेटी को हम कभी कभी ये भी बोलते हैं सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, जो पहले ही क्वेश्चन में बहुत सारे बदमाश बच्चों ने गलत आंसर पुट किया था। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम का है कि सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो है हम किसको बोलते हैं बच्चों? भोर कमेटी को। किसको बोलते हैं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? भोर कमेटी। दैट वर्ड यू शुड रिमेंबर, सर्वे। मैंने कहा था सर्वे का मतलब होता है क्वेश्चन, सीरीज ऑफ क्वेश्चन दैट कलेक्टिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम, अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम। दैट यू कैन सी सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी जो ऑल्सो नाउन एज वी कैन से भोर कमेटी बिकॉज वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1943 टू असिस्ट द एक्सिस्टिंग कंडीशन ऑफ हेल्थ सिस्टम एंड रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। कि एक्सिस्टिंग कंडीशन क्या है हेल्थ सिस्टम की, फ्यूचर डेवलपमेंट में क्या रिकमेंडेशन होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी क्रिएट की गई, दैट कमेटी वी कैन से भोर कमेटी, और उसने सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता बच्चों। तो यहां 2 से 3 क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बन सकते हैं। आई होप यू विल पुट द राइट आंसर एवरीबडी। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चड्डा कमेटी रिकमेंडेड ऑल, यहां टर्म्स लिखा है रिकमेंडेड ऑल एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन में से 3 तो चड्डा कमेटी ने रिकमेंड किया, 4 ऑप्शन में से 3 तो चड्डा कमेटी ने रिकमेंडेड किया, एक को छोड़ के। तो ऑप्शन आपके सामने यहां लिखा बच्चों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट द ब्लॉक लेवल पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर्स, देन 1 बेसिक हेल्थ वर्कर पर 10,000 पॉपुलेशन होना ही चाहिए, 10,000 की पॉपुलेशन पे 1 बेसिक हेल्थ वर्कर को सेट करना, और द फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट वेयर टू सुपरवाइज 3 to 4 ऑफ दिस बेसिक हेल्थ वर्कर। इन्होंने कहा कि एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए जो 3 से 4 हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज कर सके, 3 से 4 हेल्थ वर्कर को सुपरवाइज कर सके। तो मुझे आप यहां पर क्लियरली पुट करिएगा कि इन चारों में से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो चड्डा कमेटी ने नहीं दिया था, एक्सेप्ट पूछा है बच्चों, एक्सेप्ट पूछा है। और मैंने अभी रिसेंटली वो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों, मैंने रिसेंटली उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था, दैट कॉन्सेप्ट नॉट गिवन बाय द चड्डा कमेटी। उसके अलावा 3 कॉन्सेप्ट जो चड्डा कमेटी ने सजेस्ट किए हैं,
तीन कॉन्सेप्ट मैंने लिखा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट द ब्लॉक लेवल, वन बेसिक हेल्थ वर्कर फॉर द 10,000 पॉपुलेशन, द फैमिली प्लानिंग असिस्टेंट वेयर द सुपरवाइज 3 to 4, दिस बेसिक हेल्थ वर्कर, जो हेल्थ वर्कर 10,000 पे एक सेट किया जा रहा है उनके ऊपर उन्होंने कहा कि एक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट लगाना होगा जो इन हेल्थ वर्कर को फोकस कर सके, हेल्थ वर्कर को फोकस कर सके। तो कौन सा नहीं है, कौन सा रिकमेंडेशन चड्डा कमेटी का नहीं है बच्चों, चड्डा कमेटी, या डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर भूर कमेटी ने दिया। क्या बात है बच्चों, ऑलमोस्ट 1400 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बच्चे अभी क्लास को वॉच कर रहे हैं। देखिए टेररिस्ट की एंट्री हो चुकी है जेएनसी आर्मी, यू ऑल आर द जेएनसी आर्मी, शुड गिव रिस्पॉन्स टू अस टेररिस्ट। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ आपका लाइक, आपका हर कमेंट्स कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, मुझे और एनकरेज करता है, बूस्ट करता है कि यस आई विल डू मोर हार्ड वर्कर फॉर माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपकी जिम्मेदारी है क्लास के बाद, क्लास फिनिश होने के बाद में जब वीडियो आपका फिनिश हो जाता है तो एक बार अपना व्यू वहां जरूर लिखें, दैट व्यू गिव लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट टूवर्ड्स जेएनसी जोधपुर, वी विल डू मोर हार्ड वर्क, क्योंकि नॉर्सेट 2021 में जंग जीतने के लिए और हार्ड वर्क की जरूरत है बच्चों, और वो हार्ड आपकी जेएनसी आपके साथ के मिलकर करना चाहती है बच्चों। तो ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर यहां पर पुट किया, बी जिन्होंने लिखा है, बी जिन्होंने लिखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वॉज गिवन बाय द भोरे कमेटी, गिवन बाय द भोरे कमेटी। क्या बात है, बहुत सही बच्चों। नेक्स्ट, चड्डा कमेटी 1963 में ये अलग अलग तीन कॉन्सेप्ट को रिकमेंडेड किया। द कमेटी वॉज अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर एम एस चड्डा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, टू एडवाइस अबाउट नेसेसरी अरेंजमेंट मेंटेनेंस ऑफ द फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा बच्चों, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है उसके लिए नेसेसरी अरेंजमेंट करने का सुझाव भी चड्डा कमेटी ने दिया, क्योंकि यहां पर मिस्टर चड्डा, डॉक्टर चड्डा वॉज पर्सन एज अपॉइंटेड डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विस, और डॉक्टर चड्डा की टीम ने 1963 में यह सजेशन भी दिया था कि हमें नेसेसरी अरेंजमेंट कर लेना चाहिए नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए। मिस्टर या डॉक्टर चड्डा या मिस्टर चड्डा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बड़े बड़े नाम है और बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े काम किए उन्होंने, इसलिए आज हम उनको रिमेंबर कर रहे हैं, इसलिए आप आज हम उनको रिमेंबर करें क्योंकि उन्होंने काफी इस तरीके के वर्क किए जो आज लोगों के लिए आइडियल है, एग्जाम्पल के रूप में जाने जाते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कमेटी वॉज सेटअप, देखना, वॉज सेटअप टू सी जनरल कंडीशन ऑफ डियर नर्सेस। ये तो क्वेश्चन काम का है, ये क्वेश्चन काम का है कि जनरल कंडीशन ऑफ नर्सेस के सेटअप को तैयार करने के लिए, सेटअप को जानने के लिए कौन सी कमेटी जो थी, कौन सी कमेटी थी उन्होंने प्रिपेयर किया, उन्होंने प्रिपेयर किया बच्चों। हियर यू कैन सी हाई पावर कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी और भोरे कमेटी। चार ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर पुट करना, चारों में से एक ऑप्शन पुट करना बच्चों। दैट यू कैन सी अरे कमलेश पहले लोगो लगा ले बेटा, फिर यहां पर सलाह देने आना। यू शुड चेंज योर लोगो, अदरवाइज आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू। ये सलाह यहां पर मत दें, पहले आप प्योर जेआईएनसीएन बने, अपने आप को इस रंग में ढालें, फिर आपकी सलाह को मानी जाएगी बच्चों। विच कमेटी वॉज सेटअप टू सी जनरल कंडीशन ऑफ नर्स, हाई पावर कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी, भोरे कमेटी। कौन सी वो कमेटी है जिन्होंने जनरल कंडीशन ऑफ नर्स को, नर्स के लिए एक सेटअप तैयार किया, सेटअप देखने के लिए बोला। तो विच इज द कमेटी आर रिस्पॉन्सिबल, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चारों ऑप्शन को देख के एक राइट आंसर पुट करना बच्चों। इट्स ओके सुमित्रा, पुट द राइट आंसर। देखिए बच्चों, मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं, आप जेआईएनसी का लोगो लगाए, पहले अपने आप को जेआईएनसीएन माने, तब आपको पढ़ने में मजा आएगा, भरोसा होगा। अदरवाइज इसे मुंह उठा के आके सलाह देने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, पढ़ाई करिएगा, सीखिएगा। और टीम जेएनसी जो भी इस तरीके का बिना लोगो वाला बच्चा दिख रहा है उसको लगातार फिल्टर कर रही है। स्वीट हार्ट डोनेटिंग 50 रुपीज, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट, लगातार अपना काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है।
क्योंकि वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, और उन्हीं बच्चों के लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है जो सच में पढ़ना चाहता है, जो सच में पढ़ना चाहता है। तो आप सच में पढ़ना चाहते हैं, पहले अपने आप को इस परिवार का हिस्सा बनाएं, अपने आप को इस परिवार का हिस्सा बना के महसूस करिएगा कि यदि सर इतना हार्डवर्क हमारे लिए कर रहे हैं तो हम भी कुछ कहना माने। और जब तक ये जहन में नहीं आएगा तो प्लीज डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम, डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम, है ना। और इस तरीके की ये डुप्लीकेट बच्चे मुझे नहीं चाहिए बच्चों। और मैं बताना चाहता हूं, अलग अलग जगह विजिट करने से कभी हमारे कॉन्सेप्ट नहीं बनते। हर टीचर जहां भी पढ़ाते अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ाते, बट आपको उस माहौल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उस टीचर पे भरोसा करना पड़ेगा, उस इंस्टीट्यूट पे भरोसा करना पड़ेगा, तब आप कुछ सीख पाओगे। नहीं तो सिर्फ लोगो लगाने से बचने के लिए इधर उधर मुंह मारते घूमोगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा बेटा। इंसान को हमेशा सही ट्रैक पे चलना होगा तो उनको लाइफ में किसी न किसी को मानना पड़ेगा, रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, उनकी बातों पर भरोसा करना पड़ेगा, अपने आप आपका एजुकेशन लेवल स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ा सा स्टूडेंट बनो, बिहेव लाइक ए स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको मजा आएगा पढ़ने बच्चों। यू कैन सी विच इज द राइट आंसर, दैट इज अ स्पेसिफिकेशन दिया बच्चों, हाई पावर कमेटी। और मैं बताना चाहता हूं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सरोजनी वर्धापन कमेटी, इसी को हम हाई पावर कमेटी के नाम से जाना जाता है। और नर्सिंग प्रोफेशन 1990 वाज सेट अप टू सी जनरल कंडीशन ऑफ नर्सेस। ये एक स्पेसिफिक कमेटी है जिन्होंने कम से कम नर्सिंग प्रोफेशन के बारे में सोचा, जिन्होंने कम से कम नर्सेस के बारे में सोचा। तो सरोजनी वर्धापन कमेटी, हाई पावर कमेटी के नाम से जाना जाता है ऑन द नर्सिंग और नर्सिंग प्रोफेशन। 1990 में वाज सेट अप टू सी जनरल कंडीशन ऑफ नर्सेस, दोज आर वर्किंग इन द डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, कि हाउ दे सर्वाइव, हाउ दे वर्क, हाउ दे स्टे, हाउ दे कॉप अप विद द स्ट्रेस और अदर मैकेनिज्म। तो ये इस कमेटी को काम दिया गया था, यू शुड गो एंड सी। और इस कमेटी ने अपनी सर्वे रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इस कमेटी का नाम था बच्चों हाई पावर कमेटी, और कभी कभी इसको सरोजनी वर्धापन कमेटी के नाम से भी प्रोनाउंस किया जाता है। 1990 माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, कौन है जिसको हम कहते हैं चेयरमैन। देखिए, जो चेयरमैन होता उसी के नाम से कमेटी बनती बच्चों, जो चेयरमैन होता ज्यादातर कमेटी उसी के नाम से। आई वॉज पुटेड हियर, हु इज चेयरमैन ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। ऑप्शन में लिखा है ए एल मुदलियार, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ए के मुखर्जी, एम एस चड्डा और जोसेफ भोरे। मैंने यहां पर इन सारे कमेटीज के चेयरमैन का पूरा नाम लिखा बच्चों। मुदलियार कमेटी हमने पढ़ा, ए एल मुदलियार पूरा नाम है। मुखर्जी कमेटी हम पढ़ा, पूरा नाम ए के मुखर्जी है। एम एस चड्डा कमेटी, और भोरे कमेटी में जोसेफ भोरे। तो हु इज द पर्सन जिसको हम चेयरमैन के नाम से जानते हैं ऑफ हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। इसका चेयरमैन कौन था बच्चों, चेयरमैन कौन था माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर में कमेटी की जगह चेयरमैन का नाम पूछा है। और मैं और हिंट देता हूं, ज्यादातर कमेटीज जो है चेयरमैन के नाम से फॉर्मुलेट की जाती है, चेयरमैन के नाम से फॉर्मुलेट की जाती है। विच इज द राइट आंसर, डेफिनेटली ए जिन्होंने भी लिखा है वो राइट होगा, क्योंकि मुदलियार कमेटी और ए एल मुदलियार 1962 इट वॉज अपॉइंटेड टू द प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर फॉर फाइव ईयर प्लान। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन, तो आपको आंसर लिखना ए एल मुदलियार। दूसरा पूछे हैं कि गाइडलाइन फॉर द डेवलपमेंट इन द हेल्थ सेक्टर फॉर द फाइव ईयर प्लान वॉज गिवन, तो भी आपको ए एल मुदलियार लिखना बच्चों, ए एल मुदलियार या मुदलियार कमेटी, या मुदलियार कमेटी के नाम से भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। इट विल आस्किंग इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। ओके फाइन। इवन हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी पॉपुलर, इसी को हम कहते हैं कभी कभी मुदलियार कमेटी, इसी को बच्चों हम कहते हैं दैट वी कैन से मुदलियार कमेटी दैट वी कैन से
मुदलियार कमेटी। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, एग्जाम इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों कि मुदलियार कमेटी जो ऑल्सो नाउन एज हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी या हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग कमेटी जो ऑल्सो नाउन एज वीकेंड से मुदलियार कमेटी। मैं दोनों को कोरिलेट कर रहा हूं क्योंकि दोनों पे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं, दोनों पे क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बच्चों। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को कैरी ऑन करने से पहले नर्सेस डे स्पेशल ऑफर आपको बता देता हूं बच्चों। यहां क्लियरली मैंने मेंशन किया है नर्सेस डे स्पेशल ऑफर, और नर्सेस डे स्पेशल ऑफर में क्या होगा कि जेआईएनसी जोधपुर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स जो है उस कोर्स को स्पेशल डे, दैट मींस 7 से 10 मई तक, मतलब आज से 10 मई तक इसकी प्राइस जो है 5999 कर दी गई है, 5999 कर दी गई है। जो भी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर रीसेंट फोर्थ ईयर पास आउट हुआ है या फोर्थ ईयर की एग्जाम दिए हैं या जीएनएम पास आउट हुआ है या थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहा है या जो नॉर्सेट के लिए क्वालिफाइड नहीं है उन बच्चों के लिए या वो स्टूडेंट जो कैपेसिटी रखता है इस कोर्स को 3 महीने में पूरा करने का, वो जरूर इस कोर्स को परचेज करें। स्पेशल नॉर्सेट स्पेशल कोर्स है जहां नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे बच्चों, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे, उसके साथ साथ रिसर्च एडमिन एजुकेशन होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, ओटी आईसीयू इमरजेंसी होगा, और हर यूनिट के बाद टेस्ट और प्रीवियस 5 ईयर के पेपर होंगे। तो दैट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू टेक एडमिशन। और सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका बच्चों, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाके जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, मेल आईडी के साथ लॉगिन करना है, कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स को सर्च करना है, पेमेंट करके लॉग आउट करके लॉगिन करके आज से ही आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। और आज से ही 900 प्लस वीडियोस आपको मिल जाएंगे और अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन कर सकते हो बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि डैश सजेस्टेड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। देखिए बच्चों, आपने एक टर्म सुना होगा कंटिन्यूस एजुकेशन, एक आपने सुना होगा इन सर्विस एजुकेशन, इन सर्विस एजुकेशन। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एम्प्लॉय के लिए प्रिपेयर किया गया एजुकेशन प्रोग्राम ड्यूरिंग सर्विस, उसको हम इन सर्विस एजुकेशन बोलते हैं। कंटिन्यूस एजुकेशन में जॉब में रहते हुए नई आने वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, वो कंटिन्यूस एजुकेशन को कहते हैं बच्चों। मैं यहां क्लियरली मेंशन कर रहा हूं कि डैश सजेस्टेड कंटिन्यू एजुकेशन किसने सजेस्ट किया रे बच्चों, किसने सजेस्ट किया? भोर कमेटी ने, चड्डा कमेटी ने, मुदलियार कमेटी ने या कोठारी कमीशन? कोठारी कमीशन, जिन्होंने, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब पा लिया हो उनको तो बहुत अच्छे से पता है उस पर्टिकुलर कमीशन के बारे में। जिन्होंने अभी जॉब के लिए प्रिपरेशन करें उनको भी ये जानना जरूरी होगा क्योंकि डीए इंक्रीमेंट बहुत सारी चीजें यहां रिलेटेड इस कमेटी से रिगार्डिंग है बच्चों। मैंने क्लियर मेंशन किया है डैश सजेस्टेड कंटिन्यू एजुकेशन। कंटिन्यू एजुकेशन का सजेशन कौन सी कमेटी ने दिया बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सी कमेटी दिया? मनीषा डोंट वेरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो दैट इज अ कोठारी कमेटी बच्चों, कोठारी कमेटी, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, पॉपुलर नाउन एज कोठारी कमीशन, पॉपुलर नाउन एज कोठारी कमीशन, क्योंकि दौलत सिंह कोठारी जो थे वो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे, और यूजीसी के चेयरमैन रहते हुए इन्होंने नेशनल एजुकेशन कमीशन जो है वो बनाया, और जिसको हम कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। वॉज सेटअप टू एग्जामिन ऑल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल स्टडी, मेडिकल एंड लीगल स्टडी को छोड़ के जितना भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जितना भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इन्होंने कहा, इनके कमीशन ने कहा कि भाई आप जॉब करते करते पढ़ के अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप के नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हो, अपना इंक्रीमेंट कर सकते हो, अपना प्रमोशन ले सकते हो, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स जो है इसके बाद इसमें ऐड की गई है। क्यों? कंटिन्यूस एजुकेशन विल मेक योर फ्यूचर ब्राइटर। यदि आपने एक बार जॉब में चले गए
एक बार जॉब में चले गए तो जॉब में जाने के बाद आपको फर्दर अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करना होगा फर्दर खुद को अपग्रेड करने के लिए, खुद को प्रमोट करने के लिए, और जीरो से हीरो बनने तक लगातार मेहनत करना ही जिंदगी का उसूल है बच्चों। एक जॉब तक पहुंचे, नेक्स्ट गोल बनाए, नेक्स्ट टारगेट की ओर मेहनत करें, फिर वो अचीव करें, फिर नेक्स्ट गोल बनाए, और ऐसे मेहनत करते करते एक जिंदगी में आप टॉप शिखर तक पहुंच जाओगे। जो सपना आपने देखा हो पूरा करोगे बच्चों। तो दैट वी कैन से नेशनल एजुकेशन कमीशन, और बड़ा फेमस टर्म से बच्चों कोठारी कमीशन का वर्ड जो है ये ऑलमोस्ट हर एजुकेशनिस्ट के टंग पे होता है कि कोठारी कमीशन ये कर दिया, कोठारी कमीशन वो कर दिया। तो कोठारी कमीशन ही नेशनल एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कंटिन्यूस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यही लेके आए, कंटिन्यूस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी कोठारी साहब भी लेके आए। और कोठारी साहब कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, जिनको यूजीसी का चेयरमैन बनाया था 1964 से 66 तक। और यूजीसी कौन होता है बच्चों? यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को परमिशन देने वाली ऑर्गेनाइजेशन होता है यूजीसी। और वो यूजीसी डिसाइड कर दी कि कैसे हम फर्दर जॉब में रहते हुए लोगों का एजुकेशन अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका बच्चों, बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड एट ब्लॉक लेवल इज कमिटेड बाई माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर भोर कमेटी, इज कमिटेड बाई द भोर कमेटी, मुदलियार कमेटी, मुखर्जी कमेटी और चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी, देखिए बच्चों यहां पर एक वर्ड दैट यू कैन सी, चड्डा कमेटी। थैंक यू गुड्डू। बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड एट अ ब्लॉक लेवल, ब्लॉक लेवल पे बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने का सजेशन या कमिटमेंट किसने किया? किसने किया? कौन सी कमेटी ने किया? कौन से कमेटी ने किया बच्चों? फटाफट आंसर पुट करेगा बदमाश बच्चों। हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिगार्डिंग है बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा। बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइडेड एट द ब्लॉक लेवल इज कमिटेड बाय विच कमेटी? डेफिनेटली डिफरेंट व्यूज आपके आ रहे हैं बच्चों। मैं चाहूंगा कि आज के बाद ये क्वेश्चन जब भी आपको मिले हैं तो आप उसको अच्छे से याद कर पाएं। दैट वी कैन से मुखर्जी कमेटी 1966 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी श्री मुखर्जी to work out detail of the basic health service which should be provided by the block level. That we can say again Mukherjee committee ne bade bade role nibhaye hain bachcho, bade bade role nibhaye hain. Aur Mukherjee committee 1966 mein under chairmanship of the union health secretary Shri Mukherjee to work cut detail of basic health service which should be provided at the block level. तो यहां पर भी मुखर्जी कमेटी ने एक अच्छा सजेशन दिया कि जो बेसिक हेल्थ सर्विस है उनको हम ब्लॉक लेवल तक लेके जाएंगे तो रूरल जो हेल्थ स्टैंडर्ड है वो अपग्रेड होगा। आपको अच्छे से पता होगा पहले जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन प्रोग्राम था, इसको अभी नेशनल हेल्थ मिशन कर दिया। इस रूरल को हटा दिया। पहले क्या था? सिर्फ रूरल का हेल्थ स्टेटस इंप्रूव किया जाएगा तो बच्चों अर्बन में कौन देखेगा? तो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी टाइम से इस NRHM को बदल करके NHM कर दिया और नेशनल हेल्थ मिशन के नाम से जिसमें रूरल भी आ गया, जिसमें अर्बन भी आ गया। क्योंकि रूरल जो है विलेज लेवल का एरिया होता है, अर्बन जो सिटीज होती है, दोनों को अपग्रेड करना जरूरी है। और सबसे खास बात है, हम बेसिक लेवल पे जाके जब हेल्थ को इंप्रूव करेंगे तो आने वाले टाइम में हम हेल्थ के स्टैंडर्ड को अच्छा कर सकते हैं। और आज वैक्सीनेशन की बात करें, आज पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, ANMs की बात करें, दे विल डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एट द रूरल एरियाज टू अपग्रेड टू इंप्रूव स्टेटस ऑफ द हेल्थ स्टैंडर्ड। ओके फाइन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। विच कमेटी नाउन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, क्लियरली मैं पुट करना चाहता हूं माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन सी कमेटी है जिसको हम कहते हैं कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस? थैंक यू विमला मंडा, शुक्रिया माय डियर। विनोद नायक, थैंक यू सो मच माय डियर। डोंट वेरी सिरोन
सुषमा, यदि अभी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, क्लास के बाद एक बार फिर से पढ़ना, डेफिनेटली आपको रिकॉल होगा, और रिकॉल होने के बाद आप परमानेंट याद कर लेंगे, क्योंकि जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है तो डेफिनेटली गलत होगा। विच कमेटी नाउन एज कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, कौन सी कमेटी को हम इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के नाम से जानते हैं? दैट्स अ करतार सिंह कमेटी, जंगल वाला कमेटी, मुखर्जी कमेटी, चड्डा कमेटी। चड्डा कमेटी, देखिए बच्चों जंगल वाला वर्ड भी आ गया, शुक्रिया माय डियर, जंगल वाला वर्ड भी आ गया, तो फटाफट आंसर पुट करेगा कौन सी कमेटी को हम कहते हैं बच्चों? दैट वी कैन से कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। चारों ऑप्शन को देखें, सोचे समझे आंसर पुट करें। आप ये मत सोचना कि यहां पर सर ने नया टर्म्स दे दिया तो हम चौका छक्का मार दें। आंसर आपको पता है तभी लिखना, आंसर आपको पता है तभी लिखना बच्चों, वेट करके लिखना, जल्दीबाजी मत करना, समझने की कोशिश करना। और यहां पर ऑलमोस्ट बच्चों ने, जिन्होंने भी यहां पर जंगल वाला लिखा है, 1967 में जंगल वाला वॉज कमिटेड कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। जंगल वाला कमेटी जो 1967 में कमिटी, जिसको हम कहते हैं बच्चों कमिटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस। तो इस तरीके के कमिटीज के क्वेश्चन हम कैरी ऑन करेंगे। आपको कुछ सजेशन मैं देना चाहूंगा बच्चों, जो लोग अपने आप को प्रिपेयर करें, जब भी आप इस एमसीक्यू सेशन को अटेंड करते हो, इस एमसीक्यू सेशन का टॉपिक जो है, इस एमसीक्यू सेशन का टॉपिक सुबह 7 बजे JINC E Nursing के YouTube चैनल जो है, YouTube पे आप जाओगे, JINC E Nursing नाम से YouTube चैनल पे जाओगे, उसमें जो कम्युनिटी वाला फोल्डर है बच्चों, कम्युनिटी वाला फोल्डर है, वहां पर डेली डोज का टॉपिक पुट किया जाता है, डेली डोज का टॉपिक पुट किया जाता है सुबह 7 बजे। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि YouTube पे जाकर के कम्युनिटी के अंदर देखें कि आज शाम को 5 बजे किस टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कशन होगा, और आप उस टॉपिक को, लगभग आपको मैं 10-12 आवर का टाइम देता हूं, उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जब आप इस 5 बजे के डेली डोज की क्लास में आओगे तो आपको और एनर्जी और मजा आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है अपने नर्सिंग प्रोफेशन में जो हम स्टूडेंट लाइफ में लाइक नहीं करते, जो हम स्टूडेंट लाइफ में पसंद नहीं करते, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना होगा तो डिसलाइक को भी लाइक करना पड़ेगा, ना पसंद को भी पसंद करना पड़ेगा। यहां हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जब हमें कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन करना है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एक लिमिटेड सब्जेक्ट को प्यार करते हैं, बट कॉम्पिटिशन में नर्सिंग के 16-17 सब्जेक्ट को प्यार करना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो इसका बेहतरीन तरीका है, बहुत सारे बच्चे कम्युनिटी को बहुत इजी लेते हैं, बट बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर भी बनते हैं। तो आप डेली सुबह 7 बजे JNCE नर्सिंग चैनल पे जाते हैं, वहां पर जाके आप कम्युनिटी में फाइंड आउट करिएगा और देखिएगा कि आज को 5 बजे कौन से टॉपिक का क्वेश्चन सेशन चलेगा, उसको अच्छे से अपने लेवल पे प्रिपेयर कर लीजिएगा, और शाम को ठीक 5 बजे JNCE YouTube चैनल को ओपन करके बैठ जाइएगा, और मैं बनने वाले हर क्वेश्चन को आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, और आपको जब आंसर देने में मजा आएगा, समझ आना आप अच्छे से स्टडी करने लग गए हो। ऐसे नहीं कि चलते चलते कहीं भी ओपन करके बैठ के ऐसे आउटपुट नहीं मिलता, और मैंने कहा था मैं हर सब्जेक्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा बच्चों, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे एडमिन हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे फार्मा हो, चाहे साइकेट्रिक हो, कोई भी सब्जेक्ट जो नर्सिंग का, मैंने कहा मैं लेके चलूंगा बच्चों। और अभी तीसरा सब्जेक्ट अपना चल रहा है, जो बच्चे लगातार JNCE नर्सिंग पे पढ़ रहे, मैंने पीडियाट्रिक कंप्लीट कर दिया बच्चों, OBG कंप्लीट कर दिया आपके लिए, देन CHN अभी रन कर रहा है, तैयार रहिएगा CHN के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। हर टॉपिक पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बना के लेके आता हूं, ताकि आप एक अच्छे माहौल में रहें, एक लगातार मेहनत करते रहें, क्योंकि आजकल डाइवोशनल थेरेपी बहुत है, माइंड को डाइवर्ट करने वाले फैक्टर बहुत है सोसाइटी में, परिवार में, नियरेस्ट और डियरेस्ट, और यदि एक बार आप वापिस डाइवर्ट हो गए तो वापिस रस्ते पे लौट के आने में आपको वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप ट्रैक को छोड़ें। मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपको मेहनत करना बनता है बच्चों, आपको लगातार टिक के मेहनत करना बनता है,
और ये करना पड़ेगा यदि सच में आप एक खूबसूरत लाइफ जीना चाहते हो और उस जंजाल से निकल के बाहर आके खुली हवा में सांस लेना चाहते हो, तो ये वक्त दोबारा लौट के नहीं आएगा बच्चों, ये वक्त कभी भी आपके हाथ में दोबारा नहीं आएगा। और वन डे विल कम टू मेक योर लाइफ योर सक्सेस, वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन आप जिंदगी में एक सफल व्यक्ति बनोगे। बस सही वक्त का इंतजार के साथ मेहनत करते रहिएगा। तो हार्डवर्क बहुत जरूरी है, टफ सब्जेक्ट को इजी बनाने की कोशिश मैं करता रहूंगा, मेहनत मैं करता रहूंगा मेरे बच्चों के लिए। बस आपको साथ देना है, भरोसा रखना है, टिक के पढ़ते रहना बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन हेल्थ सर्विस फॉर्मुलेटेड बाई, नेशनल पॉलिसी किस पे बच्चों, एजुकेशन इन हेल्थ सर्विस पे फॉर्मुलेटेड किसने, किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड की गई, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां लिखा है बजाज कमेटी, यहां लिखा है जंगल वाला कमेटी, देन मुखर्जी कमेटी, देन चड्डा कमेटी। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना, मैंने पूछा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन हेल्थ सर्विस, एजुकेशन इन हेल्थ सर्विस इज फॉर्मुलेटेड बाई विच कमेटी, किस कमेटी के द्वारा फॉर्मुलेटेड किया गया, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। पुट द राइट आंसर, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, की नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन हेल्थ सर्विस फॉर्मुलेटेड कौन सी कमेटी के द्वारा किया गया, कौन सी कमेटी के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया बच्चों। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर बजाज कमेटी लिखा है क्योंकि नया शब्द लगा होगा ना कमेटी का। आंसर नहीं पता है तो भी लिख दो क्योंकि ये नया है, जरूर यही होगा। और आपका ये भरोसा भी इस बार बजाज कमेटी की तरफ लेके चला गया बच्चों, 1986 में दैट बजाज कमेटी गिवन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन हेल्थ सर्विस, ये फॉर्मुलेट की गई बच्चों, ये फॉर्मुलेट की गई 1986 में बाई बजाज कमेटी, माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर द पार्ट ऑफ, इन्होंने कहा है साफ सफाई, फिजिकल एक्सरसाइज, खुद के लिए रेस्ट और स्लीप जो है ये किसके पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ पूछा है। यहां पर कोई कमेटी नहीं होगा बच्चों, कमेटी नहीं होगा। क्वेश्चन कहता है क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप इज अ पार्ट ऑफ हाइजीन, कैन वी से एज अ पार्ट ऑफ सोशल हाइजीन, कैन वी से एज अ पार्ट ऑफ पर्सनल हाइजीन, कैन वी से, या इन तीनों में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं। माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, यू कैन सी एवरी वन, क्लीनलीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप, इन चारों में से किसके पार्ट है, जो चारों आपके लाइफ में हेल्थी रहने के लिए जरूरी है। ये चारों कॉन्सेप्ट आपके लाइफ में हेल्थी रहने के लिए जरूरी है बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करिएगा, ये कॉन्सेप्ट किसके अंडर आएगा, हाइजीन के अंडर, हाइजीन के अंडर, सोशल हाइजीन के अंडर, पर्सनल हाइजीन के अंडर, या इन तीनों में नहीं होगा, या इन तीनों में नहीं होगा। क्योंकि बच्चों मैं बताना चाहता हूं इस लॉकडाउन में आप इन चारों पर फोकस करके एक हेल्थी पर्सनालिटी ग्रूम कर सकते हो। और इसके साथ आपको ऐड करना होगा आपकी स्टडी, और प्लस डेली 5 to 6 PM को डेली डोज JINCE नर्सिंग वाला ऐड कर दीजिएगा, तो आप एक हेल्थी पर्सनालिटी बन सकते हो। तो विच इज राइट आंसर, दैट इज अ पर्सनल हाइजीन, दैट इज अ पर्सनल हाइजीन। चारों कॉन्सेप्ट जो है ये पर्सनल हाइजीन का पार्ट है, अलोंग डेली डोज क्लास, अलोंग डेली डोज क्लास। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द हेल्थी पर्सन, एक हेल्थी पर्सन को हेल्थी रहने के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी है, कौन कौन से फैक्टर जरूरी है। ऑप्शन ए में लिखा वैक्सीनेशन, ए में लिखा वैक्सीनेशन, बी में लिखा बैलेंस डाइट, और सी में लिखा पर्सनल हाइजीन, या ये तीनों। देखिए बच्चों, वैक्सीनेशन आपको प्रिवेंट करता है COVID-19 से, अदर कम्युनिकेबल डिजीज से, बैलेंस डाइट आपको प्रिवेंट करता है ओबेसिटी से, मोटापा से, और पर्सनल हाइजीन आपको प्रिवेंट करता है टू डेवलप इंफेक्शन। तो एक पर्सन को
कौन कौन से फैक्टर जरूरी होता है हेल्थी लाइफ जीने के लिए, हेल्थी लाइफ जीने के लिए। ये दो क्वेश्चन आपकी लाइफ से रिगार्डिंग पूछा बच्चों, आपकी लाइफ से रिगार्डिंग पूछा ताकि आप जिस सिचुएशन में आप सर्वाइव जी रहे हो, जिंदा हो, जिस माहौल में आप खुश रह रहे हो, उस माहौल में तीन चीजें बहुत जरूरी है। दैट वी कैन से ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी वैक्सीनेशन मस्ट बी नीडेड, बैलेंस डाइट मस्ट बी नीडेड, पर्सनल हाइजीन यू शुड बी मेंटेन, एवरीबॉडी टू लाइव योर लाइफ, टू लाइव योर लाइफ माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन जो लगातार बच्चे क्वेरी कर रहे हैं JNC जोधपुर की बुकलेट, मैं बताना चाहता हूं इस लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन में भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर तक आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए JNC जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई इन 5 बुक्स को आप मंगा सकते हो। ये अवेलेबल है बच्चों, इन 5 बुक्स के अंदर कंप्लीट नर्सिंग सिलेबस इंक्लूडिंग रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, इमेज बेस्ड, बेसिक एंड फ्लेक्स पैटर्न में कंप्लीट नोट्स पुट किए हैं। इसको परचेज करने का बेहतरीन तरीका है, आप JNC जोधपुर की वेबसाइट से परचेज कर सकते हो या 9636032691 पे फोन पे और पेटीएम करके परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, इसी नंबर पे आपको एड्रेस भेजना है और कंप्लीट एड्रेस भेजना है, ताकि आने वाले 6 to 7 days में JNC टीम जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर किए गए नोट्स का 5 बुक का सेट आपके घर तक पहुंच जाए, आपके घर तक पहुंच जाए। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास की जर्नी यहीं तक थी बच्चों। मैंने एक कोशिश की कमेटीज पे बनने वाले क्वेश्चन, ताकि आपको आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बना के भेज पाऊं। तो मेरी कोशिश कल भी जारी रहेगी, आज भी जारी थी और आने वाले कल भी रहेगी, एक नए टॉपिक के साथ। कल फिर मुलाकात करूंगा शाम को ठीक 5 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। JNC परिवार उन कोविड वॉरियर्स को तहे दिल से सैल्यूट करता है जो सच में COVID-19 से प्रिवेंट करने की, इस देश को बचाने के लिए अपने निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान दे रहे हैं इस कोविड महामारी में भी। अपना ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिएगा और हो सके तो किसी का भला करना बच्चों, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। बुराइयां आपको जिंदगी से समाप्त कर देती है, अच्छाइयां आप जिंदगी के ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। तो हो सके तो लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें कि दुनिया आपको याद रखे। हमेशा खुश रहिएगा, मां बाप का ख्याल रखिएगा, 2 गज की दूरी बना के रखिएगा, मास्क पहनना मत भूलना बच्चों, खुद को प्रिवेंट करने के लिए। कल फिर मुलाकात करूंगा मेरे बच्चों से शाम को ठीक 5 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।